हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिवन। कल हमने 15 क्वेश्चन किए थे सामाजिक अध्ययन के, शिक्षण विधियों के। तो आज के जो प्रश्न होंगे वो आपके टॉपिक मूल्यांकन से संबंधित और ब्लूम की टैक्सोनॉमी से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। केवल सामाजिक अध्ययन की बात ही नहीं, बल्कि हिंदी शिक्षण में भी आपके यही प्रश्न मूल्यांकन से संबंधित रहते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन और सीसीई, यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न जो है आप कितने सही कर पाते हैं। क्वेश्चन वन है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता और नकारात्मकता। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो यदि हम बात करें यहाँ पर, तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं कि मूल्यांकन जो है वो वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए उसमें, विभेदीकरण होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा कि जो नकारात्मकता है वह मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसके अलावा वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता, ये सभी मूल्यांकन की विशेषता है। अब देखिए, वैधता क्या होती है? जिस उद्देश्य हेतु परीक्षण जो है बनाया गया है, उसका निर्माण किया गया है, तो वह कहलाती है वैधता। ठीक है, विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है कि जब भी कोई मापन किया जाता है और बार बार प्रयोग करने पर एक जैसे परिणाम आते हैं तो वह विश्वसनीय कहलाता है। ठीक है, उसमें मूल्यांकन जो है वो विश्वसनीयता पाई जाती है। निदानात्मकता यानी वह जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, जो भी समस्या है, जो भी अंत में प्रॉब्लम निकल कर आई है, उसका निदान, उस समस्या का समाधान, तो यह कहलाता है निदानात्मकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है सीमित, विस्तृत, समान या संकुचित। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पूछा है कि जो इवेल्यूशन होता है, मूल्यांकन, इसका क्षेत्र जो है वो परीक्षा से कैसा होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है, यानी सीमित होता है, उसके समान ही होता है या संकुचित होता है? तो यहाँ पर जो देखिए आंसर होगा कि मूल्यांकन का क्षेत्र जो है वो परीक्षा से बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है, क्योंकि यहाँ पर मूल्यांकन में जो आंतरिक और बाहरी दोनों पक्ष दोनों ही सम्मिलित होते हैं। मूल्यांकन में व्यवहार के जो तीनों पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सभी शामिल होते हैं। इसीलिए मूल्यांकन जो है वो व्यापक और सतत होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थ्री। सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? 91 से 100, 81 से 90, 90 से 100 और 71 से 80। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 91 से 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर। सीसीई में व्यापकता की आशय निम्नांकित में से नहीं है। विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता या प्रश्नों की व्यापकता। तो इसमें सीसीई में व्यापकता जो है उसका आशय इन चारों में से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो देखिए सही आंसर क्या है, यहाँ पर सही आंसर ये था कि प्रश्नों की व्यापकता, ये सीसीई में व्यापकता का आशय नहीं होता है। यहाँ पर जो सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवेल्यूशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से है जिसमें विद्यार्थियों के, छात्रों के विकास के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो विषय होंगे उसकी व्यापकता शामिल होगी, उपकरणों की व्यापकता होगी और दायरे की व्यापकता होगी, लेकिन प्रश्नों की जो व्यापकता है वो यहाँ पर नहीं होगी। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर, त्रिकोण बताकर, त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने, ब्लूम ने या क्रेथवाल ने?
तो यहां पर मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी किसने बताया है? ये बताया है ब्लूम ने। ठीक है, ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिकोण रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें पूछा जा सकता है कि उन्होंने किन बिंदुओं को शामिल किया है। उन्होंने शामिल किया है उद्देश्य को, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। इन तीनों को उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल किया है। किसको? उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन को। सिक्स क्वेश्चन देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटने से मुक्ति मिलती है, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन या विद्यार्थियों का हित। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, जो चार ऑप्शन मिलते हैं, इसकी उपयोगिता का मुख्य कारण क्या है? तो यहां पर देखिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, और ये आंसर सही हुआ था बोर्ड द्वारा, निष्पक्ष मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से क्या, एक तो रटने से मुक्ति मिलती है, रटने वाले बच्चों का यहाँ कोई काम नहीं होता है, पाठ्यक्रम जो है उसकी व्याप्ति, विद्यार्थियों का हित। ठीक है, तो विद्यार्थियों का हित तो होता है, लेकिन सबसे बड़ी उपयोगिता, सबसे बड़ा कारण क्या है? निष्पक्ष मूल्यांकन। यहाँ पर जो अध्यापक होता है वो किसी के भी एक के पक्ष में मूल्यांकन नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? बोर्ड द्वारा होना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा होना चाहिए। तो बच्चों का जो मूल्यांकन है वो कैसे होना चाहिए? तो देखिए बच्चों का मूल्यांकन जो है वो बोर्ड द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित या मौखिक परीक्षा द्वारा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा, यानी लगातार और व्यापक रूप से, व्यापक रूप से जिसमें उसके विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया जाए। ठीक है, जहां उसके शैक्षिक, सह शैक्षिक ये सभी क्रियाएं ये भी शामिल हो, उसके व्यक्तिगत सामाजिक सद्गुण शामिल हो, जो भी पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं हैं वह भी शामिल होंगी, छात्र की रुचियां, अभिवृत्तियां और उसके जो भी स्वास्थ्य विवरण है वह भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा यदि बात करें तो जो मूल्यांकन है वो कैसा होगा? निरंतर भी होगा, लगातार होगा, पूरे साल होगा, सत्र के अंत में ही नहीं होगा, रेगुलर होगा। अच्छी परीक्षा में आवश्यक है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण या उपरोक्त सभी। तो अच्छी परीक्षा में देखिए कौन कौन से गुण हैं जो हैं वो शामिल होने चाहिए। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, ये सभी जो हैं ये अच्छी परीक्षा में होने चाहिए। जहां पर मैंने आपको बताया कि विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है कि कोई भी मापन विधि उस सीमा तक विश्वसनीय होती है जिस सीमा तक वह बार बार प्रयोग करने पर एक जैसे परिणाम जो है वो प्रदान करती है, तो वह परीक्षण जो है वह विश्वसनीय कहलाता है। वही हमने वैधता की भी बात की थी कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है उसकी यदि वह पूर्ति करता है तो वो वैध कहलाता है। और वही वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठ जैसे कि आप लोग एग्जाम देते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिविटी होती है, निष्पादन को देखकर कोई भी निर्णायक होता है, परीक्षक होता है, वो एक ही निर्णय पर पहुंचता है जिससे कि निष्पक्ष निर्णय हो सके, तो वो कहलाती है वस्तुनिष्ठता। विभेदीकरण क्या होता है कि परीक्षण में सभी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो शामिल होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ जो है वो उच्च श्रेणी के बच्चे होते हैं, कुछ मध्यम श्रेणी के होते हैं, कुछ निम्न श्रेणी के होते हैं, तो उस परीक्षण में सभी श्रेणियों को ध्यान में रख कर और सभी प्रकार के प्रश्न जो है वो होने चाहिए, तो वो परीक्षा जो है वह अच्छी मानी जाती है। मूल्यांकन का एक उद्देश्य है, निहितार्थ है, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना या हर महीने परीक्षाएं लेना। तो सबसे पहले तो जो नेगेटिव पॉइंट है उनको साइड में कर दें, आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। और देखिए ये प्रश्न जो है ये आपके एग्जाम में दो बार आया है, ठीक है, याद रखना है दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा इसका जो उद्देश्य है वह बच्चों के जो भाषा प्रयोग का है उसका सतत निरंतर अवलोकन करना है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना नहीं है, डेली परीक्षा लेना नहीं है, हर महीने परीक्षा लेना ये नहीं है, इसका अर्थ क्या है? निरंतर अवलोकन करना।
मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वह क्या है। अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर देखिए बी केवल परीक्षा करवाना ये तो गलत हो गया, प्रश्न पत्र बनवाना यहाँ पर मूल्यांकन की बात में ये तो नहीं होती है, और अनुशासन बनाए रखना ये मूल्यांकन का उद्देश्य, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो क्या है कि जो परीक्षार्थी है, अधिगम करता है, उसकी उपलब्धियों का जानना कि उसने क्या अचीव किया है पूरे साल, और यदि कोई कमी रह गई है तो उसमें सुधार लाना है। इसीलिए निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण जो है वह भी बनाए जाते हैं। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से है ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन और बोध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, चाहे वह है ज्ञानात्मक पक्ष हो, भावात्मक हो या मनोगत्यात्मक हो। तो इससे संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से है, इनमें से कौन सा एक भावात्मक पक्ष से संबंधित है? तो यहां पर जो आंसर रहेगा, देखिए जो ज्ञान है, अनुप्रयोग है, बोध है, ये तो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य हैं। अनुमूल्यन जो है वह भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो ये चीजें जो है वो आपको याद रहनी चाहिए। सबसे पहली बात तो जो भावात्मक पक्ष है, इस पक्ष का समर्थन जो है वो किसने किया था? ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा ने, ठीक है, 1964 ईस्वी में। तो देखिए सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष की अगर बात करें तो 1956 में ब्लूम लेकर आए थे, उन्होंने 6 भाग बताए थे। भावात्मक पक्ष की ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा ने 1964 में 5 भाग बताए, और क्रियात्मक के सिम्पसन ने 6 भाग बताए 1966 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोगों ने याद किए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। तो ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी से संबंधित प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उद्देश्यों पर आधारित है, विषय वस्तु पर आधारित है, प्रस्तुतिकरण पर आधारित है या उपरोक्त सभी। तो लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया है। ब्लूम की पाठ योजना जो है वह किस पर आधारित है? तो ये जो पाठ योजना है ये बिल्कुल आधारित है उद्देश्यों पर। ठीक है, किस पर आधारित है? उद्देश्यों पर। तो देखिए सबसे पहले जो है वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण जो है वह उद्देश्यों का, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण सबसे पहले ही सैमुअल ब्लूम ने किया था, ठीक है, 1956 ईस्वी में। इनके वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। जहां देखिए 1956 में वर्गीकरण किया था, उसका नवीन जो है उसे संस्करण जो 2001 में आया था, जब उन्होंने उसके 6 चरण बताए थे। स्टार्टिंग में उन्होंने ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इस तरीके से उन्होंने इसके स्तर बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन जो है वो क्वेश्चन में करती जाऊंगी जिससे कि आपको चीजें याद आ सके। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। तो देखिए दोबारा से ये क्वेश्चन जो है वो आया था एग्जाम में, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। तो हमने अभी बात की शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है वो सबसे पहले ही ब्लूम और उनके सहयोगियों ने 1956 में दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन देखिए, छात्रों के ज्ञान की जांच, उत्तम कक्षा कक्ष अध्यापन, शैक्षिक नियोजन या सामाजिक विकास। तो यहाँ पूछा क्या है कि एक सामाजिक विज्ञान में, कि कौन सा इनमें से एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? तो यहाँ पर जो देखिए सही आंसर जो है वो राइट हुआ था, छात्रों के ज्ञान की जांच करना। ठीक है, छात्रों के ज्ञान की जांच करना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, परिभाषित करना, क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? भावात्मक, मनोक्रियात्मक, संज्ञानात्मक या भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक। तो इनमें से परिभाषित करना ये किससे संबंधित है? तो यहां जो आंसर रहेगा, तो देखिए ये आंसर जो है इसका क्या था जान लीजिए, संज्ञानात्मक। ठीक है, परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द जो है वह संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। तो यहां पर यदि आपको ये मिल जाता कि परिभाषा देना जो है वह भी किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है, तो वहां भी आंसर जो है वो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक उद्देश्य आएगा।
तो देखिए इसके अंदर और कौन कौन से क्रियासूचक शब्द आते हैं, प्रत्यास्मरण करना, प्रत्याभिज्ञान करना, पहचान करना, ठीक है, परिभाषा देना जो मैंने आपको बताया, उदाहरण देना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, अंतर करना, व्याख्या करना, परिभाषा की व्याख्या करना या परिभाषित करना, ये सभी किसमें आएंगे, संज्ञानात्मक उद्देश्यों में आएंगे। और वहीं हम यदि क्रियात्मक की बात करते हैं तो क्रियात्मक में जैसे कोई भी चीज क्रिएट की जाती है, जैसे चित्र बनाना, ग्राफ बनाना, मॉडल बनाना, चार्ट बनाना, तो ये सब कुछ उसमें आएगा। और भावात्मक में क्या आएगा, भावात्मक में जैसे अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये सभी आते हैं, ठीक है। तो कुछ जो कीवर्ड है, क्रियासूचक शब्द हैं, वो आपको याद रहने चाहिए, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।